ऐसा खौफनाक सीरियल किडनैपर जो पहले भी 3 बार जा चुका है जेल। 14 साल की बाली उम्र जिसमें बच्चों को पढ़ाई लिखाई से ही फुर्सत नहीं होती, इस खतरनाक दरिंदे ने उसी उम्र में एक से बढ़कर एक विभत्स अपराधों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। सीरियल किडनैपर ही नहीं बल्कि इसके पूरे परिवार ने दिए हैं संगीन वारदातों को अंजाम। ये घटना है मुंबई के नाला सुपारा की, एक ऐसे शातिर सीरियल किडनैपर की जो पुलिस से भी 2 कदम आगे था। एक ऐसा अपराधी मानो जैसे उसमें पुलिस के मन को पढ़ने की शक्ति हो। एक ऐसा क्रिमिनल जिसे पकड़ने में पुलिस ने भी अपना सर पकड़ लिया। एक ऐसा आरोपी जिसके जुर्म इतने कि गिनना मुश्किल हो जाए। दिनदोषी पुलिस ने 29 जनवरी को एक 22 साल के सीरियल किडनैपर को अपनी गिरफ्त में लिया जो नाबालिग लड़कियों को प्यार का झांसा देकर उनका यौन शोषण करता। पुलिस की जानकारी के मुताबिक ये शातिर दरिंदा अपने इलाके की मासूम लड़कियों को अपना निशाना बनाता। उनका पीछा करने के बाद वो उन्हें प्रपोज कर देता। इसके बाद उन्हें सपनों की दुनिया दिखाकर ये उन लड़कियों को अपने साथ भागने का लालच देता। जो लड़कियां इसके प्रपोजल को स्वीकार करती ये उन्हें दूसरे इलाके ले जाकर पहले तो इनके साथ कुछ दिन रहता और इनसे शादी का झूठा वादा कर इनका रेप करता। ये निर्दयी आरोपी पुलिस के हाथों तो तब लगा जब ये एक महज 14 साल की लड़की को अपने साथ रहने के लिए मलाड ईस्ट से नाला सुपारा ले गया। जब लड़की घर नहीं लौटी तो उसके माता पिता ने इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में की, जिसके बाद पुलिस ने इस दरिंदे को ढूंढना शुरू किया। लेकिन एक चालाक खिलाड़ी तो पहले से ही पुलिस से 2 कदम आगे था। 3 बार जेल जाने के बाद ये जान गया था कि पुलिस कैसे काम करती है और एक अपराधी को पकड़ने के लिए क्या क्या पैंतरे अपनाती है। आपको बता दें कि ये 2014, 2015 और 2017 में हत्या की कोशिश और 2 नाबालिग लड़कियों की किडनैपिंग करने के जुर्म में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है, पर क्योंकि तब ये नाबालिग था इसे तब जेल की बजाय बाल सुधार गृह भेजा गया। अधिकारियों ने बताया कि बाल सुधार गृह यानी कि जुवेनाइल होम से बाहर आने के बाद भी इसमें कोई सुधार नहीं था, बल्कि इसके अपराध और भी ज़्यादा भयानक होते गए। इसके बाद फिर से इस सीरियल गुनहगार को डकैती और शारीरिक अपराध करने के मामले में जेल भेजा गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शख्स पर ही नहीं बल्कि इसके पूरे परिवार पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके पिता, अंकल और भाई अभी भी एक मर्डर केस के मामले में जेल में सजा काट रहे हैं और शख्स की माँ पर भी कई सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि अपराधी बहुत शातिर है और ये जानता है कि पुलिस कैसे काम करती है। वो सब कुछ पहले से ही प्लान करता, इसलिए वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करता था और अपने शिकार को कहीं ले जाने के लिए हर बार अलग अलग रोड्स चुनता था। आरोपी ने फरार होने के पहले नाला सुपारा में ही एक फ्लैट रेंट पर लिया था और केटरिंग में काम ढूंढ लिया था। पुलिस ने बड़ी जद्दोजहद के बाद आरोपी के ठिकाने का पता लगाया और उसे नाला सुपारा से पकड़ा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।